नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। एक तरफ लॉकडाउन 4.0 की मियाद खत्म होने जा रही है, तो वही कोरोना संक्रमितों का मामला कम नहीं हो रहा है। विजयनगर तहसील के गांव में भी कोरोना का कहर जारी है। विजयनगर तहसील में कोरोना से 2 संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। वही मामला सामने आते ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश पटेल ने दौरा किया है। नमस्कार, मैं हूं हर्षद कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। बात करें विजयनगर तहसील के अंदर, आज विजयनगर तहसील के अंदर कोड़ीवाड़ा गांव में कोरोना संक्रमण मामले सामने आया है। तब बात करें यहां ये जो गांव है वो सैनिकों से माना जाता है। हम आगे बताने की कोशिश करेंगे यहां किस तरह से आरोग्य टीम तैनात है, हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहे। मयूर साहब जुड़ चुके हैं। सर जी, हम ये बताना चाहते हैं कि अभी विजयनगर तहसील के अंदर कोरोना का कहर सिलसिला जारी हो गया है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? विजयनगर तहसील में अभी 6 से 7 पॉजिटिव केस अभी तक आए हैं, और विजयनगर में जो भी केस आए हैं वो बाहर से आए हुए केस हैं, या तो अहमदाबाद से आए हैं, गांधीनगर से आए हैं। और मेरी उन लोगों से अपील है कि खासकर जो कंटेनमेंट जोन में से आते हैं या रेड जोन में से आते हैं, वो अपने गाँव में आकर PHC या CHC का कांटेक्ट करें, हेल्थ विभाग का कांटेक्ट कर उनके पास जाए और बाद में ही अपने घर जाए, तो हम जितना इसको रोक सकते हैं तो रुक जाए उधर ही। जनता को क्या अपील करना चाहते हैं जो बिना वजह से घूमते हैं कहीं ना कहीं बाजार के अंदर, उसके बारे में आप कुछ अपील करना चाहते हैं? जी, उनको बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। अगर कोई काम है भी, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है, तो सिर्फ मास्क लगाकर या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही उनको घूमना चाहिए। और वैसे फिजूल में खासकर बच्चों और बूढ़ों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।